Assalamu alaikum, it's me, Saima Nasreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School, Nawab Shah. आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कर लिया था क्लासरूम में. अब हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 3 में 3.1 हम लोग कर चुके थे, सो आज हम लोग 3.2 करेंगे. जो यूनिट 3 है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, अददी निज़ाम है. अददी निज़ाम एक तो आशारी निज़ाम होता है जो आजकल राइज है, जिसमें गिनती 0 से लेकर 9 तक होती है. इसके अलावा और भी कुछ निज़ाम है जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम तो नहीं आते, लेकिन उनके कुछ और स्पेसिफ़िक वर्क्स होते हैं. जैसे अभी हमारे सामने असास 2 का अददी निज़ाम लिखा है. ये वो निज़ाम है जो हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर की जदीद तर्ज़ तालीम में ये इस्तेमाल होता है. सो हमें असास 2 का अददी निज़ाम ज़रूर मालूम होना चाहिए. ये वो निज़ाम है जिसमें दो हिंसे होते हैं, 0 और 1, और इसे हम लोग असास 2 का निज़ाम यानी सनाई निज़ाम कहते हैं. ये बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1. असास 2 के निज़ाम में ख़ुद 2 भी नज़र नहीं आता, सिर्फ दो डिजिट्स 0 एंड 1. और इसमें हम लोग जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग असास 2 यानी सनाई निज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल यूज़ कर सकते हैं, और वो टेबल है 2 का टेबल. ठीक है, हम इस निज़ाम में सिर्फ 2 का टेबल यूज़ करेंगे और इसमें सिर्फ दो डिजिट्स नज़र आएंगे, 0 एंड 1. अच्छा देखिए, हम लोग जब आम तौर पर जब एडिशन कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को जमा कर रहे होते हैं, हम 9 में 1 जमा करते हैं तो हमारा जवाब 10 आ जाता है. असास 2 के निज़ाम में जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया, सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से, 0 एंड 1. अब क्या है इसमें, अगर हम 1 में 1 प्लस कर देंगे तो जवाब 2 आना चाहिए ना, लेकिन असास 2 में 1 और 1 प्लस 2 होता है. असास 2 के निज़ाम में मैंने पहले भी कहा डिजिट यानी हिंसा 2 तो नज़र आता नहीं है, लिहाजा 1 और 1 को जब हम जमा करते हैं तो हमारा जवाब 1 0 आता है, जिसे आम तौर पर लैंग्वेज में हम 10 पढ़ते हैं. असास 2 के निज़ाम में 10 नहीं पढ़ा जाता, इसे हम 1 0 पढ़ते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ताकि बच्चों को जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए, हम फ़िलहाल इसको 10 ही यूज़ करेंगे ताकि बच्चे इसको आसानी से कर ले. आप लोग इसे बहुत ईजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं. 1 और 1 को जमा करें तो जवाब 2 होता है, 2 का मतलब 10, ये बात जहन में रखिएगा. ठीक है जी, अब आगे चलते हैं. देखें एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके सामने, 2 लिखी हुई हैं. सबसे पहले 19 है ना, 19. हमने पहले कहा असास 2 के निज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 2 का पहाड़ा लग सकता है, 2 का टेबल लग सकता है. सो इस 19 को हम 2 के टेबल से डिवाइड करते जाएंगे. हमने क्या करना है, सिर्फ इस 19 को 2 से डिवाइड करते रहना उस वक्त तक जब तक कि हमारा जवाब नीचे 1 ना आ जाए. ठीक है, चलें जी, अब लेट्स स्टार्ट. देखिए 19 लिखा है, हमने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है. 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे जवाब 19 से छोटा आ जाए, 2 9s are 18. 2 का पहाड़ा 9 दफ़ा बढ़ते हैं, 2 nim 18 2 nim 18, 19 में से क्या बचा, 1 बचा. हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, और जो बाकी बच गया है 19 में से उसको हम लाइन लगा कर साइड में लिख देंगे. देखिए लिखा है 2 9s are 18, 2 nim 18, 19 में से 18 के बाकी बचा 1, तो हमने क्या किया, 9 के साथ लाइन लगाई और लिख दिया 1. ये जो 1 है ये क्या है, बाकी बचा हुआ है. देखिए हम दोबारा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 9 में से फिर क्या बचा, 1 बचा. हमने क्या किया है, 4 के साथ लाइन लगाई और लिख दिया 1. फिर से अब देखें 4 है, 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 2s are 4, 4 पूरा हो गया है. अब हम क्या करेंगे, 2 2s are 4, नीचे लिखा 2 और फिर लाइन लगा कर, क्योंकि 4 में से कुछ नहीं बचा, पूरा हो गया है, लिहाजा लिखेंगे 0. फिर से 2 1s are 2, 2 एकम 2, अब 2 पूरा हो गया, लिहाजा क्या करेंगे, 1 के साथ हमने अब ये लाइन लगाई है और यहाँ पर हम बाकी लिखते हैं 0. 2 के टेबल से सॉल्व करते रहे हैं, 2 का पहाड़ा 9 तक पड़ा, 18 आया, 19 में से 1 बचा, लाइन लगाई बाकी साइड में. फिर 2 चौक 8 पड़ा, 9 था, 9 में से 8 गया, 1 बाकी बचा, तो हमने क्या किया, लाइन लगाई एक साइड में, जो बाकी बचता जा रहा है लाइन लगा कर उसे हम साइड में लिखते जा रहे हैं. फिर इसी तरीके से 2 दुनी 4 किया, पूरा हो गया था 4, लाइन लगाई और 0 लिख दिया. फिर 2 एकम 2 पढ़ा,
दो पूरा पूरा हो जाता है, लिहाजा लाइन लगाई और सिफर लिखा। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाता है? इसका आंसर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से लिखना शुरू करते हैं और ऊपर तक लिखते हुए जाते हैं। मैंने कहा था उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक जवाब वन ना आ जाए। देखिए जवाब आखिर में वन आया है, हमने दो एकम दो किया था तो वन से हम लिखना शुरू करेंगे। आंसर क्या लिखा जाएगा? वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। आशारी निज़ाम का 19 बराबर किसके है? सनाई निज़ाम के 10011। देखें सनाई निज़ाम का है लिहाजा इसके नीचे छोटा सा दो लगाना बहुत ज़रूरी है। ये दो ही हमें बताता है कि हमने इस 19 को सनाई निज़ाम में तब्दील किया है। सनाई का मतलब दो, सनाई निज़ाम में सिर्फ दो डिजिट्स आते हैं, ज़ीरो और एक, और पहाड़ा सिर्फ दो का लगता है। देखें दूसरी मिसाल, 276 लिखा है 276, हमने क्या करना है? वही टू का टेबल लगाना है। पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जो बच जाता है हमने लाइन लगाकर बाकी के तौर पर साइड में लिखते जाना है। यही तरीका बताया था, दोबारा देखिए प्रैक्टिस फिर से करते रहिए। दो एकम दो, पूरा पूरा हो गया, दो तिया छः, अब सात लिखा हुआ था, सात में से एक बाकी बचा है, जो बराबर वाले छः के पास आएगा तो उसे 16 कर देगा, 16 हो जाएगा वो। अब क्या हुआ, 16 था तो 2 8s are 16, 2 8 16। अब देखें 16 पूरा पूरा हो गया, लिहाजा लाइन लगाई और सिफर लिख दिया। फिर 2 6 12, 13 लिखा हुआ था ना, 2 6 12, 12 में से 13 में से 12 गए तो एक बाकी बचा, जो बराबर वाले के पास हासिल आ जाता है। छोटी क्लासेस में हम ये वाला सब काम करते आए हैं। 18 हो गया है, 2 9 18, अब 18 पूरा पूरा हो गया तो लाइन लगाई और सिफर, ये बाकी है। दोबारा देखें, अब 69 था, 2 3 6 पूरा हो गया, 2 4 8, 9 में से कितना बचा? 1, लिहाजा हम क्या करेंगे, 34 के साथ लाइन लगाई और लिख दिया 1 1, क्या है? बाकी, 69 में से बाकी 1 बचा है। दोबारा 2 1 are 2, 2 1 2, 3 लिखा हुआ था, बराबर वाले के पास हासिल आया, उसे 14 कर दिया, 2 7 14, 2 7 are 14, पूरा पूरा हो गया, 0 बाकी बचा, हमने 0 लिख दिया। फिर 2 का टेबल लगाएंगे, हमने टेबल यहाँ पर सिर्फ 2 का ही यूज़ करना है क्योंकि हम सनाई निज़ाम कर रहे हैं। 2 8s are 16, 17 में से 1 रिमेनिंग था, बाकी बचा है, हमने क्या किया, 8 के साथ लाइन लगाई और लिख दिया 1। फिर से 2 4 8, 8 पूरा पूरा हो गया है, हमने क्या किया, 4 के साथ लाइन लगाई और लिख दिया सिफर। फिर 2 2s are 4, लाइन लगाई सिफर। 2 1s are 2, लाइन लगाई सिफर। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? वही नीचे से लिखना शुरू करेंगे और ऊपर तक इसका आंसर लिखेंगे। क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 1 0 0, देखिए ये आंसर आया। आशारी निज़ाम का 276 276, सनाई निज़ाम का क्या बन रहा है? 1 0 0 0 1 0 1 0 0, और नीचे छोटा सा दो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दो ही हमें बता रहा है कि हम सनाई निज़ाम कर रहे हैं, यानी असास दो का निज़ाम। समझ में आया है आप लोगों को? अगर समझ में आ गया है तो आपने क्या करना है, यह आपका होम असाइनमेंट है, आपकी ही बुक का 3.2 है यूनिट एक्सरसाइज 3.2 का ए सेक्शन लिखा हुआ है, ज़ेल के आशारी अदात को सनाई निज़ाम में तब्दील करें। जिस तरीके से मैंने भी आपको समझाया है आपने बिल्कुल उसी प्रोसेस को यूटिलाइज़ करना है और इस 36 को आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लिखना है 36, फिर आप 2 का टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल पढ़ते जाएं, 36 को देखें ज़रा 2 के टेबल में कितनी दफ़ा पढ़ने से आता है, जो बाकी बचेगा बिल्कुल इसी तरीके से लाइन लगाएंगे और बाकी साइड में लिखते जाएंगे। आखिर में जब पूरा आप डिवाइड कर लेते हैं उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है जब तक जवाब 1 ना आ जाए। जब आंसर 1 आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप, जैसे मैंने ये आपको एरो लगाकर बताया हुआ है, आपने 1 से आंसर लिखना शुरू करना है और ऊपर तक जब तक जहाँ तक भी आपके बाकी नज़र आ रहे हैं वो सारे आपने जवाब में लिख देने हैं और फिर छोटा सा 2 लगा देना है, इसलिए ताकि हमें पता चले कि ये हमने सनाई निज़ाम में तब्दील किया। क्लियर? इसके बाद सनाई निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो सनाई निज़ाम के बाद आती है बारी खमसी निज़ाम की। खमसी निज़ाम असास 5 के अददी निज़ाम को कहा जाता है। सनाई निज़ाम 2 को कहा जा रहा था, 2 के निज़ाम को, जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स थे, 0 and 1, और 2 का पहाड़ा लगता था। अब खमसी निज़ाम यानी असास 5 का निज़ाम, इसमें 5 अदद होंगे, 5 हिंसे होंगे,
ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। सिर्फ़ और सिर्फ ये पांच हिंसे नज़र आएंगे, इसमें ख़ुद पांच भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ये कहा था कि सनाई निज़ाम में जिसका जवाब दो आ जाए उसे हम दस के बराबर समझते हैं। अब खमसी निज़ाम में जहाँ पर भी जवाब पांच आ जाएगा तो पांच का मतलब हम लेंगे दस। ठीक है, इसे भी दस नहीं पढ़ते, इसे एक सिफर पढ़ते हैं, लेकिन हम ताकि आसानी से समझ में आ जाए इसलिए फ़िलहाल इसे हम दस ही कह रहे हैं। मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, टोटल पांच हिंसे होते हैं, ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। सिर्फ ये पांच डिजिट्स इसमें नज़र आएंगे और असास पांच के निज़ाम में पांच का टेबल लगेगा, पांच का पहाड़ा पड़ा जाएगा। जैसे सनाई निज़ाम में असास दो के निज़ाम में दो का पहाड़ा था, इसी तरीके से असास पांच के निज़ाम में पांच का पहाड़ा। ठीक है, चलें जी आए प्रैक्टिस करते हैं। देखें क्वेश्चन है 678, हमने क्या करना है, पांच के पहाड़े से करना है क्योंकि हम इसे खमसी निज़ाम में तब्दील कर रहे हैं। पांच का पहाड़ा पढ़ते जाइए, पाँच एकम पाँच, छः में से एक बचा बराबर आया 17 हो गया, ये पाँच तिया 15, 17 में से 15 आ गए कितने बचे, दो, बराबर वाले के पास आ जाएगा, ये कितना हो गया 28, पाँच पंजे 25, 28 में से कितना बचा है, तीन बचा, लाइन लगाएंगे और बाकी लिख देंगे। देखें लिख दिया है, फिर अब 135 है, पाँच दुनी 10, 13 का 3 5 के पास आ जाएगा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, अब 35 पूरा हो गया, लाइन लगाएंगे और सिफर लिख देंगे। फिर 5 पंजे 25, 27 था, 27 में से 25 माइनस करें कितने बचते हैं, दो बचे, हमने क्या करना है, लाइन लगाएंगे और बाकी लिख देंगे दो। फिर 5 एकम 5 पूरा हो गया, लिहाजा लाइन लगा कर सिफर लिखेंगे, आंसर क्या लिखा जाएगा, 10203, और साथ में लिख देंगे छोटा 5। ये 5 हमें बताएगा कि हमने इस आशारी निज़ाम के 678 को खमसी निज़ाम यानी बेस 5 के सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। 10203 इसका आंसर आया। समझ में आ रहा है, एक और इसकी एग्जांपल करते हैं। लिखा हुआ है 6065 यानी 6065, हमने इसे भी 5 से डिवाइड करना है। टेबल हमने पहले बताया, खमसी निज़ाम में सिर्फ 5 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, सनाई निज़ाम में सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ा जाता है। खमसी निज़ाम 5 एकम 5, 6 में से कितना बचा, 1, बराबर हासिल आएगा तो कितना हो गया अब ये 10, अब 5 दुनी 10 पूरा हो गया, 5 एकम 5, 6 में से फिर एक बचा बराबर आ गया 15 हो गया, ये 5 तिया 15 पूरा हो गया, तो क्या करेंगे, अब लाइन लगाएंगे और सिफर लिख देंगे। फिर 5 दुनी 10, 2 बराबर में हासिल आए कितने हो गया, ये 21, 5 चौक 20, एक बाकी बचा बराबर में हासिल आएगा 13 हो गया है, 5 दुनी 10, बाकी कितना बचा 13 में से 3, हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे और साइड में लिख देंगे छोटा 3, ये क्या है, बाकी बचता जा रहा है। ठीक है, जो बाकी आ रहा है वो लाइन लगाकर हम साइड में लिखते जा रहे हैं। फिर 5 चौक 20 होता है, यहाँ पर 24 लिखा था, 5 चौक 20, 4 बराबर वाले के पास हासिल आए वो 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, अब 42 में से कितना बचा, 2, लाइन लगाएंगे और 2 लिख देंगे। 48 लिखा नज़र आ रहा है, 5 का पहाड़ा पड़े, 48 से छोटा क्या आता है 5 के पहाड़े में, 5 निम 45, 5 नाइन ज़ार 45, 48 में से 45 माइनस करें बाकी बचेगा 3, हमने क्या किया, लाइन लगाई और लिख दिया साइड में 3। फिर 5 के पहाड़े में 9 से छोटा क्या आता है 5 एकम 5, 5 दुनी 10 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हम बड़ा नहीं लगा सकते आपको मालूम है, लिहाजा 5 एकम 5, अब 9 में से क्या बाकी बचा 4, लाइन लगाएंगे और 4 साइड में लिखा, आंसर क्या लिखा जाएगा, बॉटम टू टॉप जाएंगे, आंसर लिखेंगे 143230 और साथ में लिखेंगे 5। 5 साइज़ में थोड़ा छोटा होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा 5 लिख देंगे तो ये आंसर में अगर 143230 आ गया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि खमसी निज़ाम में असास 5 के निज़ाम में बेस 5 के सिस्टम में ख़ुद डिजिट 5 नहीं नज़र आना चाहिए, होता ही नहीं है इसमें, लिहाजा ये जो 5 है ये साइज़ में छोटा होना चाहिए ताकि आप सिर्फ ये समझ जाएँ कि हाँ जी हमने इसको कन्वर्ट किया है बेस 5 में।
आशारी निज़ाम का 6065 बराबर किसके हुआ? खमसी निज़ाम का 143230। असास निज़ाम में, असास दो के निज़ाम में सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं 0 and 1, उस पर टेबल लगता है 2 का, और दो बराबर किसके हो जाता है? 10 के। खमसी निज़ाम में सिर्फ 5 डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 and 4, टेबल कौन सा लगता है? सिर्फ 5 का। 5 किसके बराबर समझा जाता है? 10 के बराबर। चलें जी, ये आपका होम असाइनमेंट है, आपकी अपनी ही बुक का है, टेक्स्ट बुक है आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इसका बी सेक्शन है, ज़ेल के आशारी आदात को खमसी निज़ाम में तब्दील करें, पेज नंबर 36 पर है आपकी बुक में। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किए हैं एग्ज़ाम्पल्स को देखें, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है अभी, बिल्कुल इसी तरीके से इसी प्रोसेस को देखते हुए आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज़ बेस 8 सिस्टम, असास 8 का अदादी निज़ाम। असास दो में कौन कौन से डिजिट्स आ रहे थे? दो डिजिट्स आ रहे थे 0 and 1, और टेबल 2 का लग रहा था। खमसी निज़ाम में 5 डिजिट्स आ रहे थे 0 1 2 3 and 4, टेबल 5 का लग रहा था। अब असास 8 का निज़ाम है, इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? 8 ही डिजिट्स आएंगे। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है ना। उसमें टेबल सनाई निज़ाम में 2 का, खमसी निज़ाम में 5 का, तो असास 8 के निज़ाम में किसका टेबल लगेगा? अल्टीमेटली 8 का ही लगेगा, ठीक है। इसमें असास 8 के अददी निज़ाम में सबसे छोटा अदद 0 होता है और सबसे बड़ा अदद 7 होता है। इसमें 8 नज़र नहीं आएगा, जैसे सनाई निज़ाम में 2 नहीं आ रहा था, जैसे खमसी निज़ाम में 5 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से असास 8 के निज़ाम में ख़ुद 8 नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट्स होते ही 0 से लेकर 7 तक हैं। सनाई निज़ाम में 2 10 के बराबर था, खमसी निज़ाम में 5 10 के बराबर था, तो असास 8 के निज़ाम में 8 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर। चलें जी, देखें ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल है 728, क्योंकि असास 8 में तब्दील कर रहे हैं, लिहाजा 8 के ही पहाड़े से करना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 नेम 72, 72 हो गया, बाकी बचा 8, 8 एकम 8, पूरा हो गया है 8, कुछ भी बाकी नहीं बचा, लिहाजा क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे और सिफर लगा देंगे साइड में, ये बाकी है। दोबारा अब 91 है, 8 के पहाड़े में देखें, 8 एकम 8, 9 में से कितना बचा? 1 बराबर हासिल आया, 11 हो गया, फिर से टेबल लगाएंगे 8 का, 8 एकम 8, 11 में से कितना बचता है? अगर 8 चले जाएँ 3 बचते हैं, लिहाजा हम लाइन लगाएंगे और बाकी लिख देंगे 3। एक दफ़ा फिर 11 नज़र आ रहा है, 8 एकम 8, 11 में से 3 बाकी बचते हैं, लिहाजा लाइन लगाएंगे और लिख देंगे 3। आंसर क्या लिखा जाएगा? 1330, क्योंकि इसे हमने असास 8 के निज़ाम में चेंज किया है, लिहाजा क्या करेंगे, 1330 के नीचे छोटा सा 8 लगाएंगे। ये हम क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसको देखते के साथ ही पहचान जाएं, ये कंफर्म हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि हमने आशारी निज़ाम के 728 को बेस 8 के सिस्टम में चेंज किया है, असास 8 के अददी निज़ाम में तब्दील किया है। 8 बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 छोटा होना चाहिए साइज़ में। अब यह आपका होम असाइनमेंट है, आपके पास ये 15 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो एग्ज़ाम्पल्स हमने आपको बताई हैं वो देखिए, इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप स्कूल टाइमिंग में हमारे पास आ सकते हैं, हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए स्कूल में मौजूद होते हैं, फ्रॉम 9 to 12 आप आ सकते हैं, और आकर फिर भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अपनी होम असाइनमेंट्स कंप्लीट करते रहिए, और उसके बाद अपनी कॉपी को आप जो है वो तस्वीर खींच कर फिर व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, कोई करेक्शन होगी तो हम वो भी आपको बताएंगे ज़रूर। एक दूसरे की हेल्प करें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घर बैठकर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स ज़रूर होने हैं इस दफ़ा, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।